नमस्ते दोस्तों। एक राजा था, बहुत ही बड़ा राजा था। हर बार एक ही तरीके से लड़ाई लड़ता था। बहुत बारी उसने जीत हासिल, लेकिन धीरे धीरे दूसरे राजा उसकी प्लानिंग समझने लगे और उसका जो पैंतरा है वो काम नहीं किया। सेम वैसे ही हो रहा है सीएसके के साथ। सीएसके हर बार वो सेम पैंतरे के साथ नहीं चल सकती। कभी कभी मैच को आपको स्टार्टिंग से ही अपने हाथ में लेना होगा। खैर, आज के मैच की बात करते हैं तो ये मैच है केकेआर वर्सेस एसआरएच। दोनों हारी हुई टीम है, इसीलिए दोनों में से कोई भी जीतेगी तो वो कुछ अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस आगे लेके जाएगी। तो चलिए फटाफट से एनालिसिस शुरू करते हैं और देखते हैं कौन से प्लेयर्स को आप सिलेक्ट कर सकते हैं और किनको आप एक्सक्लूड कर सकते हैं। एसआरएच वर्सेस केकेआर। एसआरएच की बैटिंग लाइनअप की ओर देखें तो डेविड वार्नर सबसे ज्यादा रन स्कोर किए हैं, वहीं पे जो हाइएस्ट स्ट्राइक रेट है वो है राशिद खान का। मुझे लगता है इनके बैटिंग लाइनअप में कुछ चेंजेस करना चाहिए, जैसे कि केन विलियमसन को इनको ऐड करना चाहिए। सब कह रहे हैं कि मोहम्मद नबी को ऐड करना चाहिए, लेकिन मेरा मानना ये है कि 8-9 ओवर की बैटिंग मोहम्मद नबी नहीं कर सकते। वहां पे एक ऐसा सॉलिड बैट्समैन चाहिए जो एंड तक के मैच को लेके जाएगा। और अगर विजय शंकर फिनिश नहीं कर सकते फिर उनका रोल क्या है फिर टीम में? और अगर बॉलर ही ऐड करना है तो आप शहबाज नदीम को ऐड कर सकते हैं। और खलील अहमद क्यों नहीं खेल रहे हैं वो मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि वो इंटरनेशनल मैचेस खेल चुके हैं और उनका एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा है। मुझे लगता है उनको मैचेस खेलने चाहिए। अब आते हैं केकेआर की बैटिंग लाइनअप की ओर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिनेश कार्तिक सबसे ज़्यादा रन स्कोर किए हैं और आंद्रे रसल का स्ट्राइक रेट सबसे ज़्यादा है, लेकिन आंद्रे रसल हर बार मैच नहीं जिता सकते। बाकी बैट्समैन को भी कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। यहाँ पे बैटिंग लाइनअप इतनी अच्छी है फिर भी ऐसा लगता है कि कोई भी बैट्समैन इनमें से स्टेपअप नहीं कर रहा है। और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि निखिल नायक उस पोजीशन पे कर क्या रहे हैं। अगर 10-12 बॉल ही खेल के आपको बैटिंग करना है तो उसके जगह आप एक बॉलर को ऐड कर लीजिए, कम से कम वो 4 ओवर देंगे। आप प्योर बैट्समैन को 7 नंबर पे भेज रहे हो। अब देखते हैं शेख जय स्टेडियम पर कौन से बॉलर्स इफेक्टिव हो सकते हैं और कौन से बॉलर्स के अगेंस्ट पिटाई हो सकती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट के अगेंस्ट काफी अच्छा स्ट्राइक रेट है, वहीं पे एक कम हो जाता है लेग ब्रेक गूगली के अगेंस्ट। अब आते हैं हमारे सबसे इंटरेस्टिंग सेगमेंट की ओर, इंडिविजुअल प्लेयर एनालिसिस पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेविड वार्नर, इनका स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा हो जाता है स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स के अगेंस्ट, वहीं पे ये कम हो जाता है राइट आर्म ऑफ ब्रेक के अगेंस्ट। मतलब इनके अगेंस्ट सुनील नारायण का जो बैटल होने वाला है वो काफी अच्छा हो सकता है। अब मूव करते हैं हमारे इंग्लिश बैट्समैन और ई एस स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर की ओर। क्या आपको भी लगता है कि जॉनी बेस्ट वो ई एस स्पोर्ट के बैट्समैन जैसे लगते हैं? कमेंट करके बताइए। तो इनका स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा हो जाता है लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम के अगेंस्ट और ये कम हो जाता है स्लो लेफ्ट आर्म चाइना मैन के अगेंस्ट। तो इनके अगेंस्ट कुलदीप यादव का जो परफॉर्मेंस है वो देखने लायक होगा। अब मूव करते हैं पांडे जी की ओर। तो इनका परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट के अगेंस्ट सबसे ज्यादा हो जाता है, वहीं पे ये कम हो जाता है स्लो लेफ्ट आर्म चाइना मैन के अगेंस्ट। तो इनके अगेंस्ट भी कुलदीप यादव को बॉलिंग कराना अच्छा ऑप्शन रहेगा। अब मूव करते हैं आंद्रे रसल की ओर। तो इनका स्ट्राइक रेट आप देख सकते हैं स्लो लेफ्ट आर्म चाइना मैन के अगेंस्ट सबसे ज्यादा है, वहीं पे ये कम हो जाता है लेग ब्रेक राइट आर्म ऑफ ब्रेक और लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम के अगेंस्ट। तो आंद्रे रसल वर्सेस राशिद खान एक अच्छा बैटल होने वाला है। अब मूव करते हैं शुभमन गिल की ओर। तो इनका परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा हो जाता है लेफ्ट आर्म मीडियम और सबसे कम हो जाता है राइट आर्म मीडियम फास्ट के अगेंस्ट। तो मुझे लगता है इनके अगेंस्ट भुवनेश्वर कुमार का परफॉर्मेंस देखने लायक होगा। अब मूव करते हैं हमारे इंग्लिश कैप्टन की ओर, ओयन मॉर्गन। इनका स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा हो जाता है लेफ्ट आर्म फास्ट के अगेंस्ट और सबसे कम हो जाता है स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स के अगेंस्ट। तो इनके अगेंस्ट भी शहबाज नदीम का परफॉर्मेंस देखने लायक होगा अगर वो टीम में खेलते हैं। तो दोस्तों ये थी आज के एनालिसिस। फटाफट से जाइए और ड्रीम इलेवन या फिर कोई भी फैंटेसी लीग पे अपना टीम सिलेक्ट कीजिए इस डेटा को यूज करके। केकेआर के अगर प्लेइंग इलेवन की बात करें तो मुझे लगता है कि आप निखिल नायक की जगह राहुल त्रिपाठी को ले आइए, प्योर बैट्समैन है, थोड़ा ऊपर भी जा सकते हैं वो। और सुनील नारायण को तो ओपन ही करने दीजिए, क्योंकि एसआरएच के बॉलिंग लाइनअप पे मीडियम फास्ट बॉलर्स हैं, फास्ट बॉलर्स नहीं है तो वो बाउंसर से उतने परेशान नहीं कर सकते उनको। और अगर एसआरएच की प्लेइंग इलेवन की बात करें तो मैं अब भी अड़ा हुआ हूं कि केन विलियमसन को ऐड कीजिए मोहम्मद नबी की जगह और शहबाज नदीम को भी ऐड कर सकते हैं उस स्क्वाड में। अब आते हैं प्रेडिक्शन की ओर। तो मुझे लगता है केकेआर ये मैच जीत सकते हैं। अगेन आप सबसे कहना चाहता हूं कि यहाँ पे जो भी प्रेडिक्शन होती है वो डेटा के बेसिस पे होती है, तो इस पर कंप्लीटली रिलाय करना सही नहीं रहेगा। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी ये एनालिसिस पसंद आती है तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि अगर अगली वीडियो आए तो आपसे मिस ना हो।